आपको मैंने पहले लेग वीक भी पढ़ाया था, लास्ट वीक पेट एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल, इस वीक भी हम मनी कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट वीक मैंने आपको एक वीडियो भेजा था जिसमें मैंने कुछ एक्टिविटी कराई थी सॉफ्ट टॉयज में, तो आज भी मैं एक एक्टिविटी लेकर आपके लिए आई हूँ जो सॉफ्ट टॉयज में ही बनाऊंगी। ठीक है, आप जैसा कि आप देख सकते हो एक छोटा सा घर यहाँ पर रखा हुआ है और एक छोटा सा ट्री है। ठीक है, ये ट्री मैंने इससे रखा है, ये जंगल को मैं निकाला था क्योंकि हम गाँव के पास जंगल तो नहीं दिखा सकते, इसलिए मैंने ये ट्री यूज किया है जंगल के तौर पर, बाई जाए। और ये घर क्योंकि पेट एनिमल के लिए होता है और डोमेस्टिक एनिमल क्योंकि जिनको हम पालतू जानवर देते हैं जो हमारे घर में या हमारे घर के आस पास। ठीक है, इसके लिए मैंने ये छोटा सा घर यूज किया है। तो अब हम सॉफ्टवेयर में से सेग्रीगेट करेंगे यानी अलग करेंगे कि डोमेस्टिक और या फिर पेट क्या होते हैं और वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ, जो वाइल्ड एनिमल्स होंगे उसको ट्री में लगाएंगे, जिसको हमने जंगल टाइप का लुक देने की कोशिश की है, मैंने एज ए जंगल मैंने ट्री को यूज किया है। और ये जो घर है इसको डोमेस्टिक या पेट। ठीक है, जैसा आप देख सकते हो यह हम सॉफ्ट टॉय करके हुए देखिए, ये हमारे हम इसको फिंगर टॉय भी बोलते हैं, हम इसको अपनी उंगलियों पे डाल के इसका इसको हम डिफाइन करते हैं। ये देखिए मैंने कुछ टॉय दे रखे हैं, अब ये बहुत सारे टॉय हैं, मैं आपको दिखाती हूँ फिर मैं बताऊंगी कि ये फिर ये डोमेस्टिक या पेट है या फिर बाइक है। चलिए सबसे पहला सॉफ्ट टॉय मैं दिखाते हैं, देखिए एक टेडी है, टेडी बियर बोलते हैं हम इसको। आप एक बार बताइए बियर क्या आपके घर में रख सकते हैं? आप नहीं रख सकते क्योंकि बियर एक बहुत बड़ा जानवर होता है, उसको हम घर में नहीं रख सकते, ये जंगलों में रहते हैं। ठीक है, खेलने के लिए तो सॉफ्ट टॉय अच्छे हैं पर इसको हम घर में नहीं रखते। तो अभी कहा जाएंगे हमारे जंगल में, जंगल हमें यही ऐसा बताया है हम इसे यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे बहन करने की कोशिश करती हूँ, कहीं होता है अच्छी बात है। ये जंगल आपके घर में चला गया। ठीक है, अब दूसरा टॉय मुझसे ये पहचानते हो ये क्या है? ये है पेट यानी हिंदी में कहते हैं सूअर। ये एक डोमेस्टिक एनिमल है, नहीं है ये डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक इसलिए इसको लोग पालते हैं कि बहुत हमारे इंडिया में इसका फ्लैश नहीं खाया जाता पर इसको लोग किसी के लिए पालते हैं क्योंकि पेट एनिमल है, यानी इसको हम यहाँ पे हर जगह पर डाल देंगे। देखो ये देखने में चला गया। अब दूसरा है क्या है? ये जंगल का राजा शेर, ये कहाँ रहता है? ये जंगल का राजा है, ये जंगल में ही रहेगा ना, तो चलिए हम इसको यहाँ रख कर देते हैं क्योंकि ये राजा है, इसे मैंने इसे सबसे ऊपर रख कर दिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये क्या है? एलिफेंट, इसकी सूंड बहुत बड़ी होती है और यहाँ से दांत निकले होते हैं, इनके दांतों से बहुत सारी झूठी और बहुत सारी टोपी बनाए जाते हैं। तो ये इतना बड़ा होता है ना कि इसको घर में नहीं रख सकती अगर के आसपास में, तो ये भी जंगलों में ही रहता है, ये भी वाइल्ड एनिमल है, जो जंगल में रहते हैं वो वाइल्ड एनिमल होते हैं ना, तो हम इसको भी यहाँ पे ऐसे खा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ तीन एनिमल हो गए। अब ये देखिए इसको पहचानिए, इसके इसकी आवाज में आपको बताते हैं, ये बोलते मैं है पहचानते ये क्या है? ये है वो, ये भी एक पेट एनिमल भी कह सकते हो डोमेस्टिक, इसको मीट और फ्लैश के लिए हम पालते हैं, ये डोमेस्टिक है, बहुत सारे घरों में भी इसको रखते हैं घर के आसपास, चलिए इसको इसको हम अपने घर के अंदर रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़े बहुत थोड़े और बचे हैं, देखिए है कंगारू, है मंकी और ये फुल है रैबिट, ये कैट जो गेहूं करके आपके घर में आती है और बहुत सारा दूध पी जाती है, और ये है डॉगी। अब हम एक एक करके जल्दी जल्दी इसको, अब मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रही हूँ आपको, जब बोलते हो कैट है तो ये पेट एनिमल है, इसको बहुत लोग शौक से पालते हैं। ठीक है, इसको हम इसके घर में रख देते हैं क्योंकि ये हमारे घरों में ही रहते हैं या घर के आसपास। ठीक है, अब ये बचा हमारे पास मंकी, आपको पता है इसका घर ही होता है टी, तो ये तो जंगल में ही रहेंगे ना, हमारे घर के आसपास हमेशा टी तो नहीं मिलते, इसलिए इसको हम जंगल में पाते हैं। ठीक है, हमारे देखिए हैंडिंग हो पा रहा है। ठीक है, अब ये देखिए ये है डोंकी और ये है रैबिट, ये दोनों डोमेस्टिक, ये डोमेस्टिक है और ये है रैबिट का ज्यादा यूज नहीं होता, इनका सबसे फेवरेट यूज होता है कैरेट, ये हमारे खेतों में आते हैं और कैरेट की फसल होती है वो खा जाते हैं, ये है डोंकी, ये डोमेस्टिक एनिमल है, इनको या तो सामान मुक्त के लिए या किसी एरिया के उनके ऊपर लोग चढ़ते हैं, दूसरी जगह जाते हैं।
हमारे भक्ति कहते हैं तो उसके अंदर डाल देते हैं। अब यहाँ हमारे पास दो एलिमेंट, यह अगुल जो भेद होता है और यह कंगाल, कि दोनों में से कोई भी हम घर में नहीं रख सकते, उन बहुत ही आपको हार कर सकता है, हमें ये नुकसान पहुंचा सकता है। और कंगाल ये जिस तरह से रहते हैं हमारे घर में नहीं सकते, ये चलते नहीं जंप करते हैं, ये घर में हमारे घर से ये पत्थर भी जंगल ही होता है, ये सब वाइल्ड एनिमल होता है। ठीक है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने वाइल्ड एनिमल्स को लगा दिया और यहाँ डोमेस्टिक, वो डोमेस्टिक और पेट को जो हमारे घर में हमारे आसपास रहते हैं, और वाइल्ड एनिमल्स को जो हमारे फील्ड में रहते हैं। अब हमने अलग कर दिया ना, वहाँ पहचान लगा कि ना वाइल्ड एनिमल्स हम कौन से हैं और डोमेस्टिक।